प्रश्न यह किसकी मोक्ष होती है, मोक्ष बंधन किसको होता है? किसी ने इंसल्ट कर दिया तो आत्मा को कुछ दुख नहीं होता है? मैं संपदराज हूँ जो माना उसको दुख होता है, वो अहंकार है, तो अहंकार बंधन में आया है। क्यों मेरा घर जल गया, मेरा पैसा चले गया, मेरी प्रॉपर्टी में सब प्रॉब्लम्स आ गए, तो जिसको ये मालिक है उसको दुख होता है, वो अहंकार है, तो अहंकार बंधन में आया है, तो अहंकार मुक्ति चाहता है। तो अज्ञान से अहंकार को बंधन हो गया है, अहंकार को जब आत्मा का ज्ञान मिल जाता है मैं खुद कौन हूँ, तो अहंकार छूट जाता है और मुक्ति शुरू होती है। यानी बंधन भी अहंकार भुगतता है, मुक्ति सुख भी अहंकार को मिल जाता है, अहंकार का मोक्ष हो जाता है। आत्मा तो खुद ही मोक्ष स्वरूप है, गीता में बहुत स्पष्ट शब्द में लिखा है आत्मा खुद ही मोक्ष स्वरूप है, और अहंकार अज्ञानता चली जाती है तो अहंकार खत्म होता है तो मोक्ष अनुभव में आता है। यानी अहंकार का ही मोक्ष होता है। आत्मा आत्मा की जगह पर शुद्ध है, शरीर शरीर की जगह है, कर्म का फल भुगतने वाली चीज़ है, पर कर्म का फल भुगतते टाइम मैं संपत्त हूँ, मैं किया, मुझे हो, मैं भोगता हूँ, मुझे दुख गिरता है, वो मानने वाला अहंकार है, वही बंधन भुगत रहा है। और जब ज्ञान दृष्टि मिल जाती है तो उसको मोक्ष हो जाता है।